चलो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम है उसका हमें थर्ड ऑर्बिट कंसीडर करके चलना है यूजिंग द नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल बी, अब उस ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है। चलो अब ये देखो, यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रूल मतलब बताता हूँ, मतलब ये हाँ यार कि याद रखो कि यहाँ नवनीत सर ने कुछ बहुत बेहतर बताया था कि स्पीड कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारा बुक पढ़ोगे तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे और बड़े बड़े फार्मूले देख के पागल हो जाओगे। तो कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, किसी ऑर्बिट में स्पीड कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन से सीखेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, कहीं कहीं पे दोनों इफेक्टिव होते हैं, दोनों कहीं कहीं पे ट्राई करना। एक से कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, एक से ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप दोनों करके निकाल सकते हो। तो एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री। ये तो कहता है थर्ड ऑर्बिट, इस ऑर्बिट की बात हो रही है, ये वाला थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड की वैल्यू निकालना है। और ये हीलियम है और नॉन रिलेटिविस्टिक हमको अप्रोच सोचना है। तो पहला तो मेथड है डायरेक्ट, फर्स्ट मेथड है जो डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट फार्मूला, ये भी कभी कभी काम आता है, और फर्स्ट मेथड यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीड का फार्मूला, स्पीड भी इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और वी नॉट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और जेड अगर जेड हाइड्रोजन हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दूं, और एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 3 से इसको काट दो तो ये 0.73 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा 14, और 6 1.7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो एक तो मेथड ये हो गया स्पीड निकालने का कि किसी भी आर्बिट में आपको स्पीड निकालना है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट ये फार्मूला याद रहे इसको लगा दो। अगर मान लो ये फार्मूला भूल गया तो क्या करोगे, तो अगर ये फार्मूला भूल गया तो और बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच बहुत काम का होता है। अभी आपको इस नीट में तो कम ही मिले, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये जो अप्रोच है ये भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर इस ऑर्बिट में स्पीड निकालना है तो इस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी लिख लो। तो इस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और हम सबको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है वो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, ये वाली रिलेशन। तो अभी मैं इस वाले रिलेशन का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो टोटल एनर्जी का फार्मूला मुझे पहले से सबको रटा हुआ है, -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगा, पर ये भी एक अप्रोच है। तो इस हमें स्पीड निकालना, तो जब टोटल एनर्जी का इस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर देखोगे तो टोटल एनर्जी का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो किसी ऑर्बिट का। दिट इज ऑल्सो द वेरी गुड अप्रोच टू फाइंड द स्पीड, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूँ इसका, तो टोटल एनर्जी कितनी है 13.6, और जेड स्क्वायर 4, और ये एन का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 31, -31 kg, और स्पीड वी का स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से भी स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी किसी क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा होता है। अभी ये वाला इससे करोगे, इस वाले के लिए।